हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो होने वाला है साइक्लोन के ऊपर। तो जैसा कि एक लास्ट कल मैंने परसों वीडियो डाला था केडी के ऊपर, तो मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी उनको सिर्फ समझाने का कोशिश किया था, उससे ज़्यादा मेरा कोई मतलब नहीं था। आप लोग वीडियो को जाकर देख सकते हो। लेकिन उसके बाद वीडियो उनके भी आए, लाइव उनके भी हुए, और साइक्लोन के भी वीडियोज़ आ रहे हैं। लेकिन साइक्लोन के जो वीडियोज़ आ रहे हैं, और जो केडी की एक वीडियो आई जिसमें कि उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग करके डाली थी चीज़, उसमें इसका नाम आया साइक्लोन का, कि उनके हस्बैंड ने बोला कि टिकट के बारे में, कि साइक्लोन ने बोला कि टिकट करवा दूंगी, इस तरीके की लाइन बोली थी। तो वो वाली लाइन से रिलेटेड इन्होंने फटाक से वीडियो डाला जिसमें कि इन्होंने अंदर कचरा कुछ और डाला, लेकिन बाहर उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा कि आज मैं फुल और फाइनल बताऊंगी कि टिकट किसने की। और मतलब पूरी कहानी इन्होंने बोली कि अब मैं पर्सनल में बात नहीं करूँगी, क्लियर जवाब दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। बाहर थंबनेल में इतना कचरा था, लेकिन अंदर रायता कुछ और ही था। अंदर वो सब्सक्राइबर सर की कहानी सुना रही थी हमें, जिसमें मनगढ़ंत कहानी है, जिसको कुछ भी नहीं बोल सकते हम। और मैं इनसे ये पूछना चाहूँगी कि या तो आप क्लियर तरीके से जवाब दो, है ना, अगर आपका नाम आ रहा है तो, या तो आप क्लियर जवाब दो, अदरवाइज आप मुंह बंद करके अपना मुंह सिल के अपने काम पे ध्यान दो। क्यों किसी को चोट मारती रहती हो तुम? मेरे को ये समझ में नहीं आता कि केडी की अपनी लाइफ, इनकी अपनी लाइफ, उसने अपनी शादी की, उन्होंने अपनी जो शादी की वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कैसे चलानी है। उनके हस्बैंड अगर नशा करते हैं तो वो उनका हेडक है, ना कि तुम्हारा हेडक है। लेकिन जो कंटेंट या जो भी चीज़ें ये लेकर आ रही हैं कल परसों से, तब से मैं इनको देख रही हूँ कि इनके थंबनेल में कुछ और ही कचरा होता है, वीडियो के अंदर कुछ और ही कचरा होता है। और आप लोग देख रहे होंगे कि वीडियोस जो इनके आ रहे हैं वो अब और गंदे क्वालिटी हो गई है। मतलब पहले तो चलो फिर भी दिखता था कि बंदा काम कर रहा है, बंदा कुछ कर रहा है, लेकिन अब जो वीडियोज़ आ रहे हैं आपको उसमें कहीं ये मैडम काम करती हुई भी नज़र नहीं आएंगी। सिर्फ इधर से उधर अपना वो साइकिल वाला बवंडर लेके घूमती रहती हैं, साइक्लोन की तरह घूमती रहती हैं, या फिर अपना एक तरफ बैठ के पता नहीं क्या ही ज्ञान देती रहती हैं। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि इनको ज्ञान की ज़रूरत है कि हमें ज्ञान की ज़रूरत है। उसके बाद आप हर वीडियो को देख लीजिए, एक वीडियो की बात नहीं है ये। उसके बाद इन्होंने वीडियो डाला, ऑनलाइन फ्रॉड हो गया इनका, ससुराल वाले सावधान मेरी दरिया मुझे वापस करो, इस तरीके का कुछ लिखा इन्होंने। जबकि इतना गंद, इतना गंद, मतलब हर जगह ससुराल वाले शब्द आ जाते हैं इनके, और भगवान ही जाने कि कैसे क्या सोच के ये वीडियोस बनाती है, और कौन लोग इन्हें सपोर्ट करते हैं जो देखते ही रहते हैं अंधों की तरह, मुझे समझ में नहीं आता। और उसके बाद इन्होंने वीडियो डाला जिसमें कि 23 घंटे पहले का वीडियो है, थप्पड़ खा के माने की बेहुदा औरत माँ बद्दुआ लेती है बेशर्म करके, इस तरीके की बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी। तो पहले तो मैं इनको बोलूँगी कि बेशर्मी की हदें तो तुमने खुद ने पार की हुई हैं, कि किसी का हंसता खेलता घर नहीं तुमसे देखा गया, तुमने उसके घर में चोंच मार मार के पता नहीं क्या आग लगाई है कि उस घर का पूरा नींव ही हिल चुकी है इस समय। मतलब मेरे को समझ में नहीं आता, यहाँ पे कोई भी इंसान दूसरे इंसान के साथ बात करता है, माना उस चीज़ को कि आप फ्रेंड्स फ्रेंड्स हो, लड़कियाँ लड़कियाँ आपस में बात करती हो, लेकिन आप लोग एक दूसरे के हस्बैंड तक कहाँ पहुँच जाते हो, मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को इतना हस्बैंड से, दूसरों के हस्बैंड से बात करने का शौक है, तो यार अपनी ही शादी कर लो, अपना ही हस्बैंड बना लो, और अपना आराम से उसके साथ बातें करो, जो मर्जी करो, रोकेगा कौन तुम्हें? ये मैडम बोलती है मैंने एक पंजी नहीं लगाई माँ पे, मतलब इन्होंने ये भी लिखा थंबनेल में। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि पंजी जो गिन रहे थे आप, आपने अंदर वीडियो में ये बोला कि जो हम अपने माँ बाप के लिए करते हैं वो हम बताते नहीं हैं, ये नहीं करते वो नहीं करते, तो आप तो अपने घर की सारी कहानी यूट्यूब पे रखते हो, 7 बजे के बाद तो आपको ऐसा दौरा पड़ता है कि आप कम्युनिटी कम्युनिटी खेलने लग जाते हो, तो आप क्या सुना रहे हो दुनिया को? मुझे ये जानना है आपसे कि आप दुनिया को क्या सुना रहे हो। और आपने एक वीडियो में बोल दिया कि मैं अपने घर वालों का जो करती हूँ वो किसी को दिखाती नहीं हूँ, ये नहीं करती हूँ वो नहीं करती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपने अपने बेटे के लिए जो बिस्किट और ये सब खरीदा, तो वो सारी कहानी क्यों सुनाई फिर हमें? वो तो आपने अपने बच्चे के लिए लिया ना, तो आपने हमें क्यों सुनाया? और आपका ही कहना है कि जो चीज़ कर दी उसका गाना गाने के बाद वो चीज़ की कोई वैल्यू नहीं रहती,
तो बिस्किट आप अपने बच्चे के लिए लाए, और बिस्किट लाने के बाद कौन सा इंसान ऐसे सारे बिस्किट अपने बच्चे के आगे धर देता है और फिर बोलती हो कि मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। छोटे किसी भी बच्चे को अगर आप इतने सारे बिस्किट, मतलब 8-10 बिस्किट उसके सामने धर दोगे वैरायटी अलग अलग तरीके के, तो बच्चा हर किसी बिस्किट में ही घुसेगा ना, कोई खाना नहीं खाएगा। और आजकल आप बोलती हो मम्मी ने कद्दू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई, ये खा नहीं रहा। पहले तो आपकी रोटी की शक्ल देख के ही मन नहीं करता कि रोटी खाई जाए, क्योंकि आप रोटी की शक्ल देखो कितनी जली हुई रोटी होती है वो, और एकदम तेज गैस पर बनी हुई रोटी होती है, जल्दी जल्दीबाजी में जो बनती है वो रोटी होती है। तो वो तो हम जैसे बड़े लोग भी ना खाएं तो वो बच्चा क्यों खाएगा, है ना। बच्चे को खिलाने के लिए चीज़ों को हेर फेर करना होता है, चीज़ों को ऊपर नीचे करके खिलाया जाता है, इस तरीके से नहीं कि कुछ भी उठाया और मुंह में ठूस दिया उसके और फिर वो खा नहीं रहा गाना गाने बैठ जाओ। कद्दू घिया ये सब चीज़ें तो बड़े लोग भी बहुत नाक चढ़ाते हैं खाने के टाइम, तो उस बच्चे को आप कद्दू खिला रहे हो तो क्या मतलब हुआ उस चीज़ का, और वो कद्दू नहीं खा रहा है तो और कुछ नहीं होता है दुनिया में। इनका कहना है कि मेरा बच्चा कद्दू नहीं खा रहा, मेरा बच्चा रोटी नहीं खा रहा, तो भैया मैं बिस्किट लेने जा रही हूँ, मैं सैंडविच मंगा रही हूँ, वो खा लेगा। तो जहाँ आपका दिमाग सैंडविच में चल रहा है, जहाँ आपका दिमाग बिस्किट में चल रहा है, वहाँ उसके लिए कुछ और अल्टरनेट ऑप्शन भी आपके पास होगा ना खाने के अंदर ही। अगर वो रोटी नहीं खा रहा तो उसे खिचड़ी बना दो, उसे दलिया दे दो, उसे कुछ ऐसा बना के दो जो उससे खाया जाए और उसे अच्छा लगता हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे को सिर्फ बाहर का ही सब कुछ पसंद है, सीधा बोलो कि आपकी खुद की जीभ चटोरी है, ये बिस्किट मैंने उसके लिए लिया, ये बिस्किट मैंने मेरे लिए लिया, मतलब हद हो गई। हम लोग भी अपने घर में सामान लेने जाते हैं ना, हमारा ये तरीका बिल्कुल भी नहीं है कि भूखों की तरह सामान खरीदो, है ना। आपकी तो मौसमी की वजह से आपने फ्रिज को अलमारी बना रखा है, तो क्या ही बोलेंगे आपकी समझ को और क्या ही बोलेंगे आपकी नीयत को। तो जब तक आप अपनी नीयत सही नहीं करोगे आप अपने बच्चे की हैबिट्स को बिल्कुल ठीक नहीं कर सकते। मैं तो इसी तरह साफ अक्षरों में बोलती हूँ कि जिस इंसान की नीयत ही ऐसी होती है वो दूसरे का कुछ भी नहीं कर सकता। उसके बाद इनका वीडियो आया विद प्रूफ, बात करूंगी मेरे चरित्र पे जो लांछन लगाए, मैं जवाब दूंगी, बहुत टेंशन में हूँ, प्लीज़ हेल्प मी। और वीडियो के अंदर वही खाने का कचरा था और कुछ भी नहीं था, मतलब लिटरली मैं बोल रही हूँ कि ये क्या डाल रही है इसको खुद भी नहीं पता। बच्चे के सामने अब बच्चे को भी वीडियो का शौक डाल दिया है, मतलब उसको पढ़ाई मत करा, उसको सिर्फ वीडियो पकड़ा दे और वो सब सीखा, मतलब बच्चे के सामने माँ को बच्चे ने शुरू से देखा है तो गाइस यही होगा, ऐसे ऐसी बातें करती है कि मतलब बंदे का ना रिएक्शन देने को दिल ही कर जाए एकदम। ऐसी हरकतें कौन करता है यार, कौन करता है अपने खुद के बच्चे के लिए ये हरकतें। और आज का टाइटल इनका मैडम का देख लो, चुल्लू भर पानी में डूब जा, औरत के नाम पे कलंक, है ना। इतनी गंदे गंदे थंबनेल लगाती है, इतने गंदे गंदे कि मैं बोल भी नहीं सकती ये औरत क्या है, मतलब अपने वीडियोस को चलाने के लिए अपने ऊपर इतना गंद बोलती है, अपने खुद के करेक्टर को ख़राब करती है, खुद के करेक्टर पे सवाल जवाब करवाती है लोगों से। लोग होते हैं हमारे जैसे जिनको हल्का सा भी कोई उनके करेक्टर के ऊपर बात करता है तो वो सामने वाले का मुंह तोड़ने को राजी हो जाते हैं, और ये मैडम ऐसी है कि अपने चरित्र पे खुद से लांछन लगाती है और उसके बाद कहानी सुना के हमें निकल जाती है। और वो कहानी भी सिर्फ ऐसे कि गंदी जो दिमाग में गोबर भरा हुआ है ना, उस गोबर की वजह से होता है ये सब। मैंने इसको 500 बार बता दिया कि भैया आपने किसी अच्छे डॉक्टर के पास जा और उनसे कंसल्ट कर, उनसे दवाई ले, अपना इलाज करा, अदरवाइज तो लोगों को पागल कर देगी, और ये रियलिटी है। अभी केडी के साथ में इसने जो भी चीज़ें की या नहीं की, भगवान जाने की ये क्या क्या करती है और क्या नहीं करती है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं ये बोलूँगी कि क्यों किसी के हंसते खेलते परिवार में उंगली दिए जाती हूँ, जब उसके घर में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो खुद हैंडल कर लेगी। तुम किसी की मामी नहीं लगती हो जो प्रधानमंत्री बन के हर किसी को समझाने पहुंच जाती हो। मुझे तो ऐसा लगता है कि उनके हस्बैंड के साथ भी जो भी पहले चीज़ें हुई थी तब इसने कहानी सुनाई थी हमें कि मैं समझा के आई हूँ, मैं बता के आई हूँ। तो मैं इसको यही कहूँगी, पहले तो खुद समझ ले, किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट कर, तू अपना दवाई ले, और वो दोनों मियाँ बीवी जो करना होगा वो कर लेंगे, तू उनका जान छोड़ दे, उनका पीछा छोड़ दे। और रोने वाला जो इसने वीडियो बनाया था, मैंने बहन क्या बिगाड़ा है, क्या किया है, ये किया है, वो किया है, तो मैं इसको यही बोलूँगी नाटक मत कर, आंसू नहीं आता है फालतू में, वो म्यूज़िक बजाती रहती है मुँह से, तो वो
समझ में नहीं आता और इनके बच्चे को भी वही आदत पड़ती जा रही है। वो भी बेचारा म्यूजिक बजाता है, उसका भी आंसू नहीं आता है। और मतलब हद होती है यार, एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद बंदा शांत हो जाता है, ये तो वो भी नहीं होती है। पूरा वाइटी बर्बाद किया हुआ इसने। तो मैं अभी भी यही बोलूँगी, अपने अच्छे से किसी डॉक्टर के पास जाओ, कंसल्ट करो, दवाई लो, आराम करो और आराम से वीडियो उसको बनाओ और कंटेंट अच्छा देने का ट्राई करो। अदरवाइज तुम्हारी ये जो ऑडियंस बची कुची है ना, वो भी तुम्हें पीछे छोड़ के भग जाएगी। तो बस गाइस, इस वीडियो का एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, आगे बहुत सारे वीडियोस आएंगे इनसे रिलेटेड। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।